आपने ऐसा सुना है कि अगर आप किसी को ट्रीट ना दें तो आपका दोस्त आपका कत्ल कर दे, नहीं सुना होगा। ये सुनकर हमें भी अजीब लगा, ये खबर पढ़ के हमें भी अजीब लगी। एक 16 साल के लड़के ने नया मोबाइल फोन लिया, पर इस मोबाइल फोन को लेने के बाद जो है उसके 3 दोस्तों ने उससे ट्रीट मांगी। हालांकि जब उसने ट्रीट देने से मना कर दिया, उसने कहा कि बाद में करेंगे ट्रीट, डिले कर रहा था, मना कर दिया कि रहने दो, क्या ट्रीट करनी है, इतना अच्छा फोन नहीं है। उसके 3 दोस्तों ने उसका कत्ल कर दिया, यानी कि उसे जान से ही मार दिया। और ये हंसी मजाक में या फिर गलती से जान नहीं ली गई, बल्कि गुस्से में आकर जो है वो अपने दोस्त की जान ले ली। देखे, एक फोन की कीमत और ट्रीट ना देने की कीमत इस तरह उस लड़के ने चुकाई कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। ये खबर सुनकर आपको भी अजीब लगेगा। दरअसल ये खबर जो है वो शकरपुर की सामने आ रही है। शकरपुर दिल्ली का इलाका है, जहां पर नया मोबाइल फोन खरीदने के बाद पार्टी न देने पर 16 साल के एक नाबालिग लड़के को उसके दोस्तों ने कथित तौर पर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। और ये तीनों लड़के जो है वो 9th में पढ़ते हैं, 16 साल इनकी उम्र है, जिन्होंने अपने दोस्त का कत्ल किया। जो जिसका कत्ल हुआ वो चौथा व्यक्ति था, वो भी 9th में, सेम क्लास में, 16 साल की उम्र में पढ़ता था। अभी मैं आपको बता दूं, इनकी पहचान हम आपको नहीं बता सकते हैं, ये सीक्रेट रखी गई है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो नाबालिग हैं। जिस पर अभी मैं फिलहाल आपको बता दूं, सरेआम हुई ये घटना में चश्मदीदों ने इस पर अपना अपना बयान भी जारी किया। कोई कमरे में ये चाकू मारकर हत्या नहीं की गई, बल्कि पब्लिक प्लेस में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। और जो चश्मदीद थे, जिन्होंने ये सभी इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा था, उन इंसिडेंट वाले लोगों के मुताबिक बताया गया कि मृतक के दोस्तों से पार्टी न लेने पर कहा सुनी हो गई, जिसके बाद उन्होंने उसकी पीठ पर चाकू घोंप कर हत्या कर दी। पीठ पर लगे चाकुओं के घाव के अलावा बॉडी पर कई जगहों पर चाकू के घाव लगे थे, और घाव इतने ज्यादा थे कि घाव का जो दाव था वो ना सह पाने के कारण, उसका असर ना सह पाने के कारण उस लड़के की मौत हो गई। चाकू से इस हद तक वार उस व्यक्ति के शरीर पर, उस लड़के के शरीर पर किए गए थे कि वो छोटा था, वो उन तावों को ना सह पाया, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई, यानी कि जिसकी वजह से उसने अपनी जान से हाथ धो दिया। देखिए, अगर नया मोबाइल फोन लेकर अगर कभी आप और हम भी मोबाइल फोन ले, हम अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं कि हमने ये मोबाइल फोन लिया है, इसके ये फीचर्स हैं, ये इतना बेटर है और इसलिए हमने ये लिया है, और जाहिर सी बात है अमूमन तौर पर जो आपके खास दोस्त होंगे वो आपसे पार्टी भी इस चीज़ के लिए मांगेंगे कि तुम हमें ट्रीट दो, पार्टी दो, तुमने नया फोन लिया है। पर कभी आपने ये सोचा है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को पार्टी ना दें तो वो आपका कत्ल कर देंगे? क्योंकि ये खबर पढ़ने के बाद बहुत अजीब ये खबर लगी। 16 साल के ये चारों लड़के थे, 9th क्लास में पढ़ते थे, जो ये खबर सुनकर फिलहाल मैं आपको ये खबर सुना रही हूँ। देखिए, नए फोन की पार्टी ना देने पर दिल्ली में 16 साल के लड़के के दोस्तों ने सरेआम उसकी हत्या कर दी चाकू मारकर, जिसके बाद चश्मदीदों ने भी पुलिस को अपनी गवाही दी। अभी फिलहाल उन तीनों लड़कों को जो है वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, हालांकि वो नाबालिग हैं, तो उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और इसी दौरान उन लड़कों ने यही बताया कि बात सिर्फ इतनी सी थी कि उसने हमें पार्टी नहीं दी, वो डिले कर रहा था, वो हमें मना कर रहा था पार्टी देने से, जिसमें गुस्से में आके हमने उसे चाकू मार दिया। पर देखिए, हैरान कर देने वाली खबर है, तीनों लड़कों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। मृतक जो इसमें लड़का मर गया, जो मृतक है उसकी उम्र भी 16 साल है, वो भी 9th क्लास में पढ़ने वाला है। तो हैरान कर देने वाली अटपटी खबर जो है वो दिल्ली से सामने आ रही है। आपको ये किस तरह की लगी, आपका इस पर क्या कहना है, अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। ज्यादा जानकारियों के लिए देखते रहे ऑल द टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। जय।